नमस्कार, जनता टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को। मैं से बधाई भी देता हूं। दूसरा कार्यक्रम आज यहां पर प्रारंभ हो रहा है मिशन इंद्रधनुष का तृतीय संस्करण के शुभारंभ का। तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो समय पे गर्भवती महिला को या फिर नवजात शिशु को टीकाकरण के माध्यम से हम उन्हें बचा सकते हैं और उनके जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन जागरूकता का अभाव या लापरवाही ये कहीं ना कहीं गर्भवती महिला को, माता को और बच्चे को भी इसकी मृत्यु दर को ही बढ़ाता है, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को बढ़ाता है, लेकिन साथ साथ तमाम ऐसी बीमारियों की चपेट में उन्हें ले आता है जो जिंदगी भर के लिए नवजात शिशु को फिर से समाज के भरोसे छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। उस प्रकार की स्थिति न हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से मिशन इंद्रधनुष का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का दायित्व भी हम सबका, इसका इसको हम सफलता पूर्वक आगे कैसे बढ़ा सके, यह हर जागरूक नागरिक का दायित्व होना चाहिए। याद रखना, समाज में कहीं भी अभाव होगी, बीमारी होगी, गरीबी होगी, अव्यवस्था होगी या किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी या कोई संक्रमण होगा, तो समाज अपने आप को यह ना समझे कि वह अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा। जहां कहीं भी इस प्रकार की स्थितियां होंगी, उन सब के खिलाफ हमारा अभियान एक सामूहिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो आह्वान करूंगा स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ महिला और बाल विकास विभाग को इसके साथ जुड़ करके सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये अंतर विभागीय समन्वय की ताकत को हम लोगों ने जेई और एएस के खिलाफ चले हुए अभियान के साथ देखा है और इस कार्यक्रम को भी उसी के साथ हम जोड़ करके देखेंगे तो उसके बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। इस दिशा में यह एक प्रयास हमारा प्रारंभ होना चाहिए। तो तीसरा, तकनीक का उपयोग करके, आपने देखा होगा अगर तकनीक नहीं होती तो वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ हम लोग पिछड़ गए होते। ये महामारी व्यापक जनधन की हानि का कारण बनती, लेकिन जापान हम लोगों ने चूंकि जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के खिलाफ एक टीम वर्क का प्रदर्शन करके वे इस पर प्रभावी नियंत्रण किया था, तो उसका परिणाम था कि हमने कोविड के खिलाफ भी उस टीम वर्क का प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के तत्काल बाद हम लोगों ने टीम 11 का गठन किया, अलग अलग टीम को अलग अलग कार्य दिए गए और एक बेहतर समन्वय शासन स्तर पर यहां पर होता रहा और अंततः उसका परिणाम क्या रहा कि हम लोग एक एक उस पर विजय प्राप्त करते गए और अंततः 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में हमने बेहतर प्रदर्शन करके देश और दुनिया के सामने साबित किया कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, महत्वपूर्ण ये कि अगर हमारे पास सामूहिक रूप से कार्य करने की इच्छा शक्ति है और रोग ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए अगर हम सब मिलकर के एक साथ प्रयास करते हैं तो सामूहिक प्रयास की अपनी एक ताकत होती है और ताकत कोविड-19 के खिलाफ चले हुए अभियान के साथ हम सब ने देखा है। तकनीक का उसमें बहुत बड़ा रोल था। आपने देखा होगा जब तमाम प्रकार के ऐप उस दौरान विकसित किए गए और उसके माध्यम से समय पर सूचना देना, कोई व्यक्ति अगर किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया है तो वह जहां कहीं जाता था तो पहले से अलर्ट जारी होने लगता थे।